जी तो फ्रेंड्स, एक ऐसा कपल जो सीमा सचन, जिसके पूरी दुनिया में पबजी लव स्टोरी के चर्चे मशहूर हैं, आइए उनसे आपको लाइव मिलवाते हैं। ये आपके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, अभी चलते हैं इनके पास, बैठते हैं और इनसे गपशप करते हैं। हाँ जी सचन मियाँ, कैसे हो आप? ठीक है, आपकी दुआएं। खैर है सीमा, ये मोबाइल पे लगी हुई है। ओ, जरूर कोई बात कर रही है। जो बात कर रही है एपी सिंह, जो उसका वकील है। जी जी, उससे बात कर रही है। किस तरह की बात? वो हमारा कोई केस है ना। अच्छा, केस के वाले से बात हो रही है जी? एपी सिंह से बात हो रही है अभी। सचिन, आजकल आप सीमा का केस जो है वो एपी सिंह से लड़वाते रहे हो, लेकिन ध्यान करना कहीं वो सीमा से हाथ ही ना धो बैठो आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीमा एक वफादार लड़की है। वफादार लड़की है जी, कभी मुझे धोखा नहीं देगी। क्या बात है। अच्छा जी, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो सीमा से है। सीमा जी, मुझे आप ये बताएं कि आपने एपी सिंह को जो खड़ा किया है अपने केस के लिए, तो कहाँ तक पहुँचाइए आपका सारा केस? जी जी, हमारा जो वकील है ना एपी सिंह, वो कह रहा है तो आप हमारे जो है ना फार्म हाउस पे आओ 2-3 दिन के लिए। तो मुझे कुछ मामलात ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनको हल करने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे पास 2-3 दिन आएँ तो हम फिर इरादा कर रहे हैं जाने का, फिर देखते हैं अगला प्लान क्या है हमारा। मसले कौन कौन से भी ऐसे मसले हैं आपके? मेरे मसले सिर्फ एपी सिंह ही हल कर सकता है। आपने जो सवाल करने हैं वो करें और मुझे इजाज़त दें, एपी सिंह मुझे लेने के लिए भी आ रहे हैं। सीमा, मोबाइल का चार्जर साथ लेकर जाना। पिछली बार भी आप एपी सिंह वकील के वहाँ गई तो 2 दिन पूरे आपका मोबाइल बंद रहा। अच्छा तो फ्रेंड्स, बगैर लेट किए हुए अभी से हमारे सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सीमा से हम पहला सवाल पूछते हैं। सीमा जी, मुझे ये बताएं कि आपको इस सचिन से प्यार हुआ कैसे, ये सारी कहानी कैसे शुरू हुई? जी, मैंने पहली बार इनकी तस्वीर मोबाइल में देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं देखते ही इनकी दीवानी हो गई। मैंने कहा इंडिया में भला ऐसा खूबसूरत लड़का। जालिम सीमा, मुझे ये बताओ कि आपको आपके हकीकी खावन पे कोई तरस नहीं आया जब आपको इस सचिन से प्यार हुआ था? जी, तरस तो मुझे 1-2 दफ़ा आया था, लेकिन सचिन ने कहा मैं आपको इतना प्यार दूंगा ना, बस आप गुलाम हैदर को भूल जाओ। क्या बात है। अच्छा सीमा, एक समझ नहीं आ रही मुझे कि आप पहले पाकिस्तान से रवाना हुई हैं, आप पहुंची हैं दुबई, दुबई से आप सीधी निकली हैं, फिर आप पहुंच गए नेपाल, नेपाल से आप निकली हैं डायरेक्ट पहुंच गए इंडिया। 7-7 बंदों का टिकट, वीज़ा, पैसा, ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? पाकिस्तान में तो इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो ये कैसे हो गया सारा? जी जी, मेरे को जाने वाले दोस्त है, नीचे रहते हैं दोस्त, एक सब्जी उससे मैंने को 50-60 हज़ार रुपया लिया, और भी मेरे जानने वाले थे, और हैदर जो आपको पता है 60 हज़ार महीना बेचता था, वो भी मैंने कुछ बचा के रखे होते। आखिर में जो जब देखा मेरे पास पैसे नहीं पूरे होते, मैंने फिर हजर का मकान भी बेच दिया। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था मकान बेचने को, मैंने फिर मकान भी बेच दिया आखिर में। ओ जी, सचिन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना पड़ा सीमा को? जी, मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करा इनसे मिलने के लिए, बहुत मैं परेशान हुई हूँ। खुशकिस्मत हो सचिन। अच्छा सीमा जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। एक तो मैं आपसे बैठा थोड़ा सा दूर हूँ, तो सवाल से मुझे याद आया, ये बच्चा जो बैठा हुआ है, बच्चा किसका है सचिन? बच्चा मेरा है। आपके है? कितनी उम्र है इस बच्चे की? 2 साल। 2 साल, जबरदस्त। अच्छा तो ये मुझे बताया कि हैदर को आपसे जुदा हुए कितना साल हो गए थे? 4 साल। 4 साल? हाँ जी जी। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं ना जो कुछ सीमा ने कहा, आपको सुनाई दिया, बच्चे की उम्र है 2 साल और हैदर को जुदा हुए 4 साल हो गए हैं। ये क्या गोलमाल है सारा, आपने मुझे लाजमी बताना है अभी क्या सीन है, मैं तो उलझन में फंस गया हूँ। इसका जवाब आप मुझे दें, 2 साल का बच्चा 4 साल से हैदर बाहर है। अच्छा तो सीमा जी, ये जरा नजदीक करना माइक, इसकी आवाज़ कम है। मुझे ये बताएं, सवाल जरा सख्त है, आपने माइंड भी नहीं करना, आपने भी माइंड नहीं करना। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि आपके कोई 3-4 बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में भी हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि भाई सीमा जी ने हमें धोखा दे दिया और वो सचिन के पास चली गई है, ये क्या कहानी है, ये तो बताएं ऑडियंस को। नहीं जी नहीं, सचिन तो जो मेरी लाइफ में इससे पहले जो थे, अब नहीं, अब तो मेरी जान है, अब जो मेरी लाइफ में ये आ चुके हैं। तो आप तो कह रहे थे मेरा पहला और आखिरी प्यार। नहीं नहीं, वही कह रही हूँ ना कि आखिरी तुम हो। हाँ, आखिरी ये है, अभी पहले वाले तो जो थे आखिरी तुम हो भाई सचिन, आखिरी प्यार हो बस। ओहो, कैसी उलझन में मैं फंस गया। अभी आप कह रहे हैं कि आप आखिरी प्यार हैं, इख्तिताम हो गया, खत्म हो गया सब। तो भाई ये जो एपी सिंह वाला सीरियल चल पड़ा है, उसका भी एंड होना या नहीं होना? नहीं जी नहीं, एपी सिंह जो है वो बहुत ही हमदर्द इंसान है, जब भी मैं उनके फार्म हाउस पर जाती हूँ तो वो मेरी बहुत खिदमत करते हैं। अच्छा सीमा जी, मुझे एक बात क्लियर कर दें, हैदर के भी बार बार बयान आए जा रहे हैं कि भाई मुझे सीमा नहीं चाहिए, वो गई जहाँ जाए बस खत्म कहानी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए हर हाल में। जी जी, ये बच्चे कौन से हैदर के थे? हैदर ने कौन से मेहनत की थी? ये बच्चे तो मेरी मेहनत के हैं, मेरे हैं, हैदर के नहीं है। अच्छा तो सीमा जी, मुझे ये बताएं, वो तो आपने मामला ही खत्म कर दिया कि भाई बच्चे हैदर के नहीं हैं, आपके हैं, सारी मेहनत भी आपकी थी, तो अब इस सचिन जी के साथ नेक्स्ट क्या बच्चों का फैमिली प्लान है, कितने बच्चे बनाएंगे आप?
नहीं जी नहीं, सचिन जी आप पहले ही बहुत कमजोर हैं। जैसे ही मैंने पहले चार जो है ना मेहनत करके बनाए हैं, तो आप वैसे भी मैं और कर लूंगी, इनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देखें जी कितनी पहले बहुत कमजोर है ना, मेरी जान है आपको पता है। देखें जी सीमा कितनी हमदर्द है, वो कहती है कि भाई जैसे पहले मेहनत की थी अभी इतना ख्याल रखती है सचिन का। वो कहती है वो मेहनत भी मैं खुद ही मुझे बता भी रहे थे। तो मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आजकल हलचल मची हुई है, इंडिया आ रहा है गुलाम हैदर आपको या आपके बच्चों को लेने के लिए, उसके वीजे का सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, उसने एक वकील भी खड़ा कर लिया है, वो कहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा अपना केस लड़ूंगा और मैं जीत कर ही वापस आऊँगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ना जी ना, गुलाम हैदर जितने मर्जी वकील खड़े कर ले, मेरा वकील जो एपी सिंह है ना वो बहुत अच्छे हमदर्द इंसान है, मुझे पता है वो कहीं मुझे मार नहीं खाने देंगे, वो मेरे साथ हैं। तो आपको लगता है कि ये केस आप जीत जाएंगे? जी 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 बिल्कुल 100% मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हैं और मेरा साथ देंगे भी सही। जी तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाते हैं कि सीमा एपी सिंह के पास जाती है और वहाँ से जब लौट के आती है तो क्या अपडेट आती है न्यू, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हैदर जो है वो इंडिया अपने वकील के साथ पहुँचता है, एपी सिंह का और हैदर के वकील का आपस में टकराव होता है, आमना सामना होता है, उसकी क्या अपडेट्स निकलती हैं, क्या उसका रिजल्ट निकलता है, वो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की जो मालूमात हैं आप तक बआसानी पहुँच सकें। गुड बाय।